हेलो, मेरा नाम है राहुल। मैं हूँ पंजाब जलंधर से। मैं 19 साल का हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम यूपी। यहाँ पे हम थोड़ा काम वाम करते हैं। हमारे पेरेंट्स यहीं पर आ गए थे, तो मैं भी यहीं पे रहा हूँ, यहीं पे स्टडी वगैरह करी है। तो स्टोरी शुरू होती है, मैंने 12th में, हाँ 12th करी। 12th में मैंने साइंस रखी थी। 4 पेपर हुए, केमिस्ट्री का हुआ था, इंग्लिश का हुआ था, एंड 4 पेपर हुए थे टोटल। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा 3 महीने के लिए। 3 महीने तक टेंशन भी हो गया, क्या होगा, पेपर होंगे नहीं होंगे, पढ़ो ना पढ़ो, बहुत सारा। उसके बाद पेपर कैंसिल हो गए, रिजल्ट आ गया। उन 4 पेपर के बेस पे रिजल्ट आया, मार्क्स आ गए थे ठीक ठाक, 85% आ गए थे। अब आगे प्लान था इंजीनियरिंग बनने का, कि सबको देखा साइंस में था तो बस इंजीनियरिंग भी एक था, ठीक है। बाकी भी कह रहे थे इंजीनियरिंग कर लो, बट इंजीनियरिंग करने पैसा था, पैसा चाहिए था बहुत सारा, मतलब बहुत सारा भी नहीं, पर इतना भी कहाँ डक हो जाए, इतना था। देन हमारे एक भैया थे, भैया हमारे साथ में रहते थे, वो ना एथिकल हैकर है। वो ना अपने कोर्स बना के घर में टीच करते हैं, काफ़ी अच्छा उनका अपना काम चलता है, अच्छी इनकम होती है, तो काफ़ी हेल्पफुल थे, मतलब दूसरों की मदद करते थे। मैंने उनसे डिस्कस किया कि भैया क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि भैया आप 4 साल लगाओगे इंजीनियरिंग में, पैसा खर्चोगे, उससे अच्छा है कोई एक स्किल पकड़ो, उसको मास्टर करो, बाद में अपना काम करो या जॉब करो, जैसे मर्जी करो, ठीक है। अब उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि 36 लोग बाहर कह रहे थे कोई इंजीनियरिंग कर लो, टीचर्स कह रहे थे, फ्रेंड्स कह रहे थे, एंड एक वो अकेला बंदा था जो कह रहा था भैया स्किल सीखो, ठीक है। एंड वो जो 36 थे जो कह रहे थे इंजीनियरिंग कर लो, वो थे जिन्हें इंजीनियरिंग का ई भी नहीं पता था। उन्होंने बस दूसरों को देखा था, भाई यहाँ दूसरे कर रहे हैं और आप भी कर लो, पर बताने को तो हर कोई आ जाता है। फिर मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ यार, मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर घर पे लॉकडाउन की वजह से मिल रही था, ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट किया ग्रॉसरी शॉप, क्योंकि घर पे बहुत बोर हो रहा था, पढ़ाई भी नहीं हो रही, रिजल्ट आ गया था। ग्रॉसरी शॉप डाउनलोड कर ज्वाइन की, वहाँ पे 5,000 में लग गए, बहुत काम होता था, मेहनत का काम काफ़ी सारा, गर्मी में लगे रहो, सवेरे 9 बजे और रात के 8 बजे, काफ़ी थक जाता था। अच्छा था, वो भी टाइम पास हो गया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कम्युनिकेशन समथिंग, बहुत सी चीज़ें सीखी उधर से। फिर हमारे सर ने ज़बरदस्ती जेई मेंस का फॉर्म भरा दिया था, कि भैया अगर क्लियर हो गया तो अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, NIT में इंजीनियरिंग में दे देना। मैंने कहा ठीक है, अगर हो जाता है तो NIT में कर लेंगे किसी तरह मैनेज, बट हमें स्टडी वगैरह कुछ नहीं की थी यार, सच में बोल रहा हूँ। हमारे सर को बस इतना था कि भैया एग्ज़ाम भरा दो, एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम के फॉर्म भरा दो, एंड फॉर्म की फ़ोटो कापी टीचर को दे दो, कि भैया टीचर अपने रिकॉर्ड में दिखाएगा कि भैया हमने इतने स्टूडेंट्स का फॉर्म भर दिया। बट पढ़ाना उन्होंने कुछ नहीं, मतलब हम भी नहीं पढ़े थे, बट उन्होंने भी कोई एफर्ट नहीं किया था, नहीं क्लियर हुआ, ऑब्वियसली नहीं होना था जी मीन्स का। उसके बाद वैसे कन्फ्यूज, वैसे भैया ने कहा भैया स्किल सीख लो अब, क्योंकि प्राइवेट में एक बार जॉब मिल रही थी, वो कॉलेज में एडमिशन मिल रही थी, एक कॉलेज पीछे पड़ गया। मुझे पूरा बजट लिख के दे दिया कि भैया आपका साल का इतना, 1 लाख समथिंग का पड़ेगा, 4 साल का, आप आराम से हो जाएगी मेरे लिए, आप आ जाओ आ जाओ। मैंने 3-4 बार कॉल किया, लिस्ट पे लिख के उन्होंने फोटो भेजा। मैंने कहा भैया, मैं बड़ा कन्फ्यूज हुआ। फिर तो भैया ने कहा, भैया एक दिन बैठाया, कहा तुम्हारा इंटरेस्ट है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था। इलेक्ट्रॉनिक्स में कहा एक Arduino होता है, Arduino की प्रोग्रामिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आया था। तो भैया ने मुझे ना, वही उन्हीं भैया ने लैपटॉप दिया था, एक 2GB Pentium Dual Core, तो मैंने उसी से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का करता था। तो भैया ने कहा लैपटॉप आपको दिया है, आप वेब डिज़ाइनिंग सीख लो एंड उसमें अपना करियर बना लो। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताइए कि क्या क्या सीखना है। उन्होंने कहा कि HTML CSS टेक्नोलॉजीज हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, वो बेसिक आप सीख लो। मैंने निकाला लैपटॉप, यूट्यूब पे लग गया, ठीक है।
एक कोई बैठने की कुर्सी नहीं थी, प्लास्टिक चेयर ले आया अगले दिन। घर वाले कहते हैं क्या पैसे खराब कर रहे हैं, मैं ले आया। एंड फिर लग गए यूट्यूब पे देखने। नेक्स्ट डे वो लैपटॉप का हिंज निकल गया, पुराना लैपटॉप पता नहीं 10-12 साल उसका एक लेफ्ट से हिंज निकल गया। अगले दिन उसको रिपेयर पे दिया, उसको रिपेयर पे देने गया, 10 दिन उसने लगाए रिपेयर करने में। फिर 10 दिन तक फिर हमने मोबाइल में ट्यूटोरियल्स देखे, मोबाइल में ही थोड़ी बहुत कोडिंग की, अच्छा लगा उस चीज़ भी सीखा, मतलब फिर लगा कुछ हाँ कुछ कर सकते हैं। मोबाइल में कोडिंग करके छोटा सा वेबपेज बनाया, उसका होगा मेरे इंस्टाग्राम पे। एंड फिर हमारा लैपटॉप आया, 1 महीना मैंने यूट्यूब पे लगाया, उससे सीखा थोड़ा बहुत कोडिंग का, वेबसाइट सिंपल वेबपेजेस बना देना था, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एकदम सिंपल से कुछ थोड़ा बहुत आने लगा था। देन फिर भैया ने बुलाया कि क्या प्रोग्रेस कर रहे हो, मैंने कहा ये हो गया। भैया ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, कहीं से आपको सीखना पड़ेगा लाइव, फिर आप थोड़ा और बेटर कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है। मैं हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन था चैरिटेबल कहते हैं इधर, उधर गया, उनके पास था वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स। मैंने उनसे बात की, 800 रुपया कुछ फीस थी महीने की एंड एडमिशन फीस की कुछ। उन्होंने कहा कि ये उसका सिलेबस है, उन्होंने दिखाया। मैंने सिलेबस देखा तो इतना तो मैं यूट्यूब से कवर कर चुका था ऑलमोस्ट उसमें से। मैंने कहा फिर मैं वापस आ गया, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं फिर भैया के पास, मैंने कहा भैया मैं उधर गया था कोर्स लेने, तो उधर ये सिलेबस था तो ऑलमोस्ट मेरा डन है। भैया ने कहा ऐसी जगह नहीं, वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे रियल काम होता हो वेबसाइट्स का। तो मैं वहाँ पे चला गया, उन्हें चला नहीं गया। उन्होंने एक शॉप बताई, कंपनी बताई, ऑफिस बताया अपने नून का। उनका वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम था जलंधर में, यहाँ से 23 किलोमीटर्स दूर है। वहाँ पे बताया कि भैया यहाँ पे जाओ, इनसे बात करो। मैं बड़ा नर्वस, मैं कभी बाहर नहीं निकला, मैं कैसे जाऊँगा। पर मैंने भैया ने कहा कि अगर कुछ करना है तो भैया हाथ पैर को मारना पड़ेगा। मैं निकल पड़ा भैया 250 रुपये लेके किराया वगैरह, ठीक है किराया लेके निकला। उधर ज्योति चौक उतरा, वहाँ से फिर मैंने गूगल मैप्स लगाया, उस ऑफिस का नाम लिखा, वो वहाँ से गरीब पता नहीं कौन कौन सी गली में जाते था, मैंने कभी देखा ही नहीं, गया ही नहीं था मैं इतनी दूर कभी अकेला नहीं गया था, वैसे दूसरे के साथ गया था। मैंने ढूंढा ऑफिस नहीं मिला, बहुत ढूंढा नहीं मिला, फिर जाके मिला तो शटर बंद था उसका, उससे शायद शॉप बंद थी या कहीं ट्रांसफ़र हो गई पता नहीं। फिर हमने कहा यार इतनी दूर आए क्या करेंगे। मैंने गूगल मैप पे फिर सर्च किया वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी से अंदर एंड आईफोन फ्यूज कंपनीज की कंपनीज, उनमें से मुझे सिर्फ एक का सही डायरेक्शन मिली। मैं 2-3 कंपनियां मुझे दिखी थी, मैं 2 कंपनीज की तरफ गया, मुझे वो ऑफिस ही नहीं मिला, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सी गली में जाके था। तो वहाँ से पैदल ही 1.5 किलोमीटर दूर आया, देन एक कंपनी थी उधर में गया, मिल गई मुझे, वो भी हॉस्पिटल सा था। मैं कर चला गया, मैंने कहा यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, यही देख लेते अंदर जाके। अंदर था तो ऑफिस का था कुछ, वहाँ पे बॉस का ऑफिस था। मैंने दरवाज़ा पर बताया, उन्होंने बुलाया कि आ जाओ, मैंने उनको ग्रीट किया नमस्ते। देन मैंने उनको बताया कि मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी एंड बस लाइक आपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपने किया क्या है पहले। मैंने कहा मैंने जस्ट 12th करी है एंड आई नो सम बेसिक्स ऑफ बेसिक डिज़ाइन वेबसाइट डिज़ाइन एंड दे आस्क्ड मी सम इंटरव्यू क्वेश्चंस अबाउट बेसिक थिंग्स एंड मैंने ऑलमोस्ट जवाब दे दिए। उन्होंने बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे थे, मैंने ऑलमोस्ट के जवाब दे दिए थे। उन्होंने मेरा बैकग्राउंड पूछा, एजुकेशन पूछी एंड समथिंग समथिंग, काफ़ी देर मतलब 1 घंटे तक बातचीत हुई हमारी। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो और प्लेटफॉर्म चाहते हो तो भैया हम आपको देंगे, बस शर्त यह है कि आपको कोई छुट्टी नहीं करनी, ठीक है, एंड कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन में रहना। मैंने कहा ठीक है करेंगे जो करना होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कल से आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, 1 साल तक आप को हम फ्री में सिखाएंगे। पैसों के बारे में बात की थी कि कितना दे सकता हूँ मैं, मैंने कहा मैं तो 1000 दे सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा ये कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं,
फिर उन्होंने कहा कि चलो आप आ जाना, हम आपको फ्री में सिखाएंगे, एक साल तक आप फ्री में सीखोगे, हमारे साथ काम करोगे, हमारा हाथ बताओगे, फिर हम आपकी थोड़ी सी सैलरी स्टार्ट करेंगे एंड बढ़ती जाएगी। देन मैंने स्टार्ट करी अराउंड 24 अक्टूबर 2020 को मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड वहाँ पे फिर वहाँ का स्टाफ था, मुझे थोड़ी बहुत वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाने लगे, मुझे डायरेक्शन दे देते थे कि भैया आपको ये करना है, करना थोड़ी पड़ता था, यूट्यूब ट्यूटोरियल देखो, 36 ट्यूटोरियल मिल जाते हैं यूट्यूब पे फ्री में, ब्लॉग्स मिल जाते हैं, उनको देख देख के करो, जो नहीं समझ लगता था वो स्टाफ से पूछ लो, सर से पूछ लो। एंड तो होता गया आगे करते गए, स्किल्स को ग्रो करते गए। देन हमने वर्डप्रेस सीखा, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग में तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आसानी से वर्डप्रेस बन जाती है, बट मैंने उसे भी सीखा, थोड़ा बहुत किया, उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट था कोडिंग में। मैंने सर से बात की, सर मेरा वर्डप्रेस में इंटरेस्ट नहीं है, कोडिंग में है। तो उन्होंने कहा कि PHP सीख लो अभी स्टार्टिंग के लिए, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैंने वो स्टार्ट करी। एंड बीच में मैंने फोटोशॉप भी सीखा, मेरे पास अभी लैपटॉप था 2GB वाला Pentium Dual Core, उसमें मैंने फोटोशॉप भी इंस्टॉल किया, इंस्टॉल नहीं हो रहा था, उसका जो पोर्टेबल वर्जन होता है ना CS6 वाला काफ़ी फेमस, उसको इंस्टॉल किया, किसी मुश्किल की तरह वो चला, उसमें डिज़ाइनिंग सीखी फोटोशॉप काफ़ी देर तक। उसके बाद मैंने कोडिंग स्टार्ट की, कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट बहुत था, मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई, सर को दिखाई, फिर मैंने उसका फ्रेमवर्क सीखा, आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। देन मैं सर के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाने लगा, जैसे बिजनेस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम CMS हो गया, किसी ने अपना कस्टम बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाया, वो भी मैं बेसिक चीज़ें बना लेता हूँ, बेसिक इतना एडवांस नहीं है, बेसिक मैं कर लेता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी सैलरी स्टार्ट की 6,000, एंड अभी भी 6,000 ही है, अभी लास्ट 4 मंथ्स हुए हैं 6,000 स्टार्ट के लिए, 6,000 पर मंथ चल रहा है, 1,800 तो किराया निकल जाता है, 4,200 बचता है, वो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देता हूँ। एंड अब बात अब ये आई कि अब मैंने सीखना है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए इस बीच मैंने सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया, क्योंकि PHP को भी चलाने के लिए वो डुअल कोर एंड 2GB रैम इनफ नहीं था, एंड उसको अपग्रेड करने का रैम वगैरह डालने का कोई फ़ायदा नहीं था, रैम 2008-10 का वो PC था, काफ़ी पुराना HCL कंपनी का, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा। देन मैंने इसी बीच सर से कहा कि लैपटॉप चाहिए, तो फिर उन्होंने दिलाया 31,500 का, मैनेज करके ले लिया, मैंने कहा कि काम ही आने वाला है, किसी तरह मैनेज किए घर वालों से ले लिया। ये है i5 थर्ड जनरेशन, सेकेंड हैंड लिया था, एंड 8GB रैम इसमें करवा ली थी, एंड एक SSD लगवा ली थी 240GB, हाँ 240GB की SSD, काफ़ी सही चल रहा था। देन तो कस्टम सॉफ्टवेयर PHP रन करने के लिए इनफ था, बट अब मुझे सीखना है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, क्योंकि मैं ऐप्स बनाता था, एक्चुअली कोई आ गया। देन हाँ, ये लैपटॉप मेरे सामने, मैं दिखाता हूँ, ये अपना i5 थर्ड जनरेशन 8GB, सही चलता है नॉर्मल चीज़ों के लिए, बट अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट वो चीज़ है, जैसे जॉयस भैया का प्रीमियर प्रो और हम डेवलपर्स का एंड्रॉयड स्टूडियो, एक चीज़ है, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो आपने खोल लिया, आप मतलब हीटर लगा के आग सेक सकते हो, इतना वो धुआं छोड़ता है, इतना हीट छोड़ता है वो, इतना गर्म करता है PC को। एक्चुअली एडवांस ग्राफिक्स, एंड आई हैव इंटेल 4000 सीरीज, पता नहीं कितना कैपेबल है, वो नहीं कर पा रहा सपोर्ट, जब मैं उसकी टेस्टिंग करता हूँ ना एंड्रॉयड ऐप को चलाने की, तब वो बड़ा दिक्कत देता है, मैं उसको मेंशन करूँगा। सो जॉर्ज भैया ने बड़ा अच्छा किया, मुझे 300 के सब्सक्राइबर हो गए, कंग्रेचुलेशन। एक्चुअली मैं सोच रहा था मॉनिटर ले लूँ, मेरे पास 10-12 हज़ार का बजट है, मैं सोच रहा था मॉनिटर ले लूँ, बट मॉनिटर मैं अगर लूँगा
एंड इसमें प्रॉब्लम आ गई तो फिर ख़राब हो जाएंगे यार मोनिटर। इसकी एक्चुअली डिस्प्ले ना, अगर सुबह रात को जैसे बंद कर दिया सुबह चलाओ तो आधे घंटे तक इस पर ग्रीन ग्रीन डॉट्स आ जाते हैं एंड वो आधे घंटे तक रहते हैं फिर चले जाते हैं। बट मैंने उसके लिए से उसके लिए सोच रहा था कि मोनिटर ले लूँगा, बजट नहीं बन रहा। तो एक्चुअली जो पीसी आप प्रीव्यू कर रहे हो, मुझे एक्चुअली आई वांट फॉर दैट एंड्रॉयड डेवलपमेंट। आप देखना चाहे रहे हो डेवलपमेंट के लिए जो एंड्रॉयड स्टूडियो की रिक्वायरमेंट क्या है। मांगता तो मैक है बट छोटा मोटा ग्राफिक्स कार्ड उसको चाहिए होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट की टेस्टिंग। लाइव आप जो ऐप है उसको कोड करते हो साथ में कंपाइल करते हो बहुत ज़्यादा रिसोर्स होती है। सो आई नीड ग्राफिक्स कार्ड के साथ लगा हुआ एक मशीन या लैपटॉप ऐसा कुछ चाहिए, तो इसलिए मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आई थिंक 4 मिनट की गया था। चलो ठीक है, यही कुछ स्टोरी है। काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है एक्चुअली। हाँ मैं चाय बेचता था पहले, हमारे दादाजी की ना चाय की दुकान है, तो मैं कभी कभी जब दादाजी गांव चले जाते थे तो यहाँ पे कोई होता नहीं था, तो चाय की दुकान को चलते ही रखने के लिए मुझे उस पर आना पड़ता था। एंड ऑफिस में भी जब सेकंड वेव आई थी कोरोना की, तब वो ऑफिस से छुट्टी हुई थी 1 महीने की, तो 1 महीने के बीच मैंने चाय बेची। ऐसा बहुत स्ट्रगल किया है। जॉयस भैया की वीडियो देखता हूँ, वो भी अपनी जब स्टोरी सुनाते हैं तो उनसे थोड़ा बहुत रिलेट करता हूँ, इंस्पायर होता हूँ, लगे रहते हैं एंड मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। ऑफिस में ऑफिस का काम करते हैं, घर पे आके खुद का अपना एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते हैं। काफ़ी दो बज जाते हैं कई बार, ऑफिस का काम नहीं ख़त्म होता। सारी बस कर रहे हैं स्ट्रगल कुछ करने के लिए, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए। बाकी और तो कुछ एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ बहुत सारी चीज़ें। कोई स्क्रिप्टेड वीडियो तो है नहीं, ना कोई क्रिएटिविटी इसमें एंड सेटअप अपना कुछ है नहीं। आपको दिखाया शायद यही है, पहले तो यहाँ पे बहुत छोटा सा टेबल होता था, अब तो हमारे मकान वाली के उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी एंड ऊपर ये ऐसे ही है, इग्नोर दैट। ये है एंड ये स्पीकर भी, ये सेल्फी स्टिक है, सेल्फी स्टिक के ऊपर मैंने 2 LED लगा के इसका जुगाड़ किया हुआ है लाइट के लिए, यही रोड फेस पे बैठी है। ठीक है, अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था मेरा। तो हाँ, एजुकेशन का है कि आगे डिस्टेंस से करने का सोचा है, क्योंकि अब मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट ना मेरे क्लासमेट्स सिर्फ फोटो डालने के जोगे रह गए हैं, कोई फंक्शन आ रहा है फोटो डाल रहे हैं बस, और कुछ मुझे नहीं लगता वो कर रहे हैं। मैं अपना कर रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक इंजीनियरिंग स्टूडेंट पहुँचते हैं, उससे आगे तक जाने का प्लान है, करेंगे भैया। बाकी सब यही है, चलना यही स्टोरी है। 18 मिनट की वीडियो बन गई है, और क्या है यार अपने बारे में बहुत कुछ है बताने को। मैं ना एक्चुअली सिंपथी नहीं है, मैं सिंपथी गेम करके आपको नहीं बताना चाहता है, दैट्स रियल स्टोरी। इसके और भी बहुत चीज़ें हैं, आई डोंट वांट टू दैट। बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, अभी भी कर रहे हैं बट अब थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, थोड़ी समझ लगती है भैया कुछ करना है। ठीक है फिर तो, सपना देखो पूरा करो, हैशटैग लगा के कर देते हैं अपलोड। बस इतना ही है कुछ, और यार मैंने क्या कहना था, मैं शायद भूल जाता हूँ कितनी। हाँ बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड जो भी जीतेगी वो भी किसी अच्छे के हाथ में लग गया। एंड मैंने भी अपना जो लैपटॉप था ना जो भैया ने दिया था 2 GB वाला, इसको एक मेरे नोन में था एक बंदा स्टूडेंट था, उसने नीट की प्रिपरेशन करनी थी तो उसने यूट्यूब वीडियो वगैरह देखनी होती थी, तो मैंने उसे दे दिया। एक्चुअली मैं उसमें जब मैंने नया लिया था ना सेकेंड हैंड, तो मैं उसमें लिनक्स चला रहा था, देख रहा था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम,
उसमें वो भर रखा था। देन उसने मुझसे कहा कि भैया मुझे है ज़रूरत, वो भी थोड़ा नहीं था इतना फाइनेंशियली, मेरे जैसे था एक्चुअली, मेरे से भी ज़्यादा। देन मैंने उसको दे दिया विंडोज 7 इंस्टॉल करके, उसमें वही चलनी थी, उससे ऊपर तो मिल जाओ, उसको दे दिया। बाकी जो भी जीते जीते थे किसी मत ज़रूरत दार पर्सन के पास ही गिव अवे देना, एंड बाकी ठीक है। कोई इतनी क्रिएटिविटी नहीं है मेरी वीडियो में, कुछ भी नहीं है, पीछे बैकग्राउंड है वो कपड़े हैं एक्चुअली, चादर से ढक रखे हैं अभी के लिए, वरना बहुत सारे कपड़े ऐसे ही। एंड बस यही अपना कमरा है, यहाँ पे ज़मीन पे बिछा के सो जाते हैं यहाँ पे लगे रहते हैं रात भर, सुबह उठते हैं फिर काम पे, बस में डेली 23 किलोमीटर जाना ना डेली ट्रैवल करना होता है। एंड 21 मिनट हो शिट, ओके थैंक यू सो मच, आई थिंक आई शुड बी लीविंग नाउ, थैंक यू।